अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लो जी नाजरीन, आज हमारा वर्क है इस साइकिल के ऊपर। आज हमने ये साइकिल को मॉडल करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा इस साइकिल को कैसे मॉडल करना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक किया होगा। तो चलें हम ये साइकिल आज मॉडल करते हैं। ये साइकिल थोड़ी ब्लॉकी टाइप है, कार्टूनिश टाइप है, ठीक है जी। हम सिंपल पहले इसका ये टायर बनाएंगे, ठीक है जी। आपने गौर करना है, माया आर्किटेक्ट्स मैन में इसके सबसे पहले हम टायर बनाएंगे। तो वही चीज़ें यूज़ होनी है, ये पॉलीगोन पड़े हुए हैं सारे बॉक्सेस, तो हम यहाँ से लेंगे जी पॉलीगोन पाइप, ठीक है जी। टॉप व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू में जाके हम इसको रोटेट टूल पकड़ेंगे। फिर हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में हम इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। एक्यूरेट रोटेट हो गया। आज हमने करना क्या है कि भी इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझना है, और जिस भाई को कुछ समझ ना आए वो प्लीज़ मुझे बता सकता है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस टायर के लिए हमें थिकनेस चाहिए होती है टायर के लिए। अब ये दरअसल एक टायर नहीं है लग रहा, ठीक है। तो इसके लिए थिकनेस इसकी ब्रेक होगी, हम 0.2 इसकी थिकनेस कर लेंगे, ठीक है। और इसके सब डिवीज़न एक्सेस बहुत कम है स्मूथनेस के लिए, ठीक है। इसको हम तकरीबन 30 कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा स्मूथ टाइप हो गया टायर। तो अगर 30 आपको लगे कि भी बहुत कम है तो आप 40 करके देख लें, 40 से चलो मैनेज हो जाएगा, ठीक है जी। वही मल्टीपल टूल आपने पकड़ना है, आपने बिल्कुल सेंटर में एक लाइन डालनी है, बिल्कुल सेंटर में ऐसे, ठीक है। ये इन दोनों इस लाइन के सेंटर में इधर लाइन डालनी है और एक इधर लाइन डालनी है, ठीक है जी। आपने फिर तस्वीर को देखना, तस्वीर में बिल्कुल टाइप गोल है, ठीक है जी। हमने राइट क्लिक प्रेस करना और एज टूल पे चले जाना। एज टूल से हमने ये सेलेक्ट कर लेनी है, ये जो लाइनें हमने डालनी है, ठीक है जी। इनको हम स्केल टूल के सामने थोड़ा अप कर देंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा अप करने से थोड़ी गुलाई में आ गया हमारा टाइप, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलाई में आ गया, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, हमने कंट्रोल दबा के ये डिसलेक्ट कर देनी है दोनों लाइनें, ठीक है। ये इसको अब थोड़ा स्केल अप कर देंगे ताकि ये दरमियान से भी उठे ऐसे, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है जी, अब ये जो ऊपर ब्लैक वाले एरिया आप देख सकते हैं, नीचे वाइट वाला एरिया भी, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने इसको इस एज को और इस एज को वही बेवल कर देना है, ठीक है जी, ताकि गुलाई में टायर हमारा आ जाए आसानी से, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब करना क्या है, हमने ये हमारा ब्लैक वाला टायर बन चुका है, ठीक है जी। हमने इसके सेंटर वाले फेसेस को पकड़ लेना, इसको कर देना कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, एक्सट्रूड होता है। और स्केल टूल पकड़ने से इसको हम सेंटर से स्केल डाउन करेंगे तो वो उसके अंदर से वो चीज़ आ जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं टायर के अंदर ये वाइट वाला हिस्सा है, ठीक है जी। अब हमने करना है कि ये हमारा जो टायर रेडी है, इसके अंदर हमने लगाने हैं तारें जो साइकिल के टायर के अंदर लगी होती हैं, ठीक है जी। इसको हमने स्केल डाउन कर लेना है, इसको थोड़ा ब्रीक करके स्केल अप कर देना, ठीक है जी। इसको थोड़ा ब्रीक करके तो अप करके देख सकते हैं आप, इसको साइड पे ले आएंगे, ठीक है जी। एक सिलेंडर हमारा और इस्तेमाल होगा, जो सिलेंडर इस्तेमाल होगा वो ये वाला है, ठीक है। ये सिलेंडर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट रोटेट करना है, स्केल डाउन करेंगे। आप अपने इसको फ्रंट व्यू में जाके देखें, टॉप व्यू में तो क्या सेंटर में आ रहा है हमारा सिलेंडर, अगर सेंटर में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है जी। इधर हमने कर लेना थोड़ा सा इसको ऐसे पड़ा ताकि बिल्कुल लाइन में उसके बैठे टायर, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये हमने फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। मैंने आपको कहा था कि इन सब डिवीज़न कैप्स होते हैं, सब डिवीज़न हाइट होती है, सब डिवीज़न हाइट में आपने क्या डालना है, ठीक है। आपने इधर दो लाइनें डालनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चार लाइनें डालता हूँ, चार लाइनें से क्या होगा, मेरा एक और एज बन जाएगा, इसको थोड़ा और हम ऐसे ब्रीक करेंगे, ठीक है जी।
अब हमने इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसके जो सब डिवीजन एक्सिस हैं इसको हमने कर देना है 40। 40 से क्या होगा, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, इससे हमें ही फायदा है, चीज़ अच्छी लगेगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट करके हमने इसका ये वाला हिस्सा एक्सट्रूड करना है, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट होता जाएगा क्लिक करने से, ठीक है जी। बाकी जो दूसरे हैं फेसेस, उनको आप एक पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्यूरेट सबको पकड़ लेगा, ठीक है जी। अब ये इधर से डी सेलेक्ट करना है, ये साइड से भी पकड़े गए हैं, तो अब करना क्या है, इसको कर देना है कंट्रोल ई, ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देना ऐसे, ठीक है जी। अब देख सकते हैं तस्वीर में तारे कहाँ हैं, ठीक है जी, तो इसको थोड़ा और ऐसे बाहर निकाल देंगे, तो अब ये जो हमारी तार है इसको जाके हम ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक है, जाके हमें देख लेना कैसे आ रहा है बिल्कुल ये चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रीक करेंगे, थोड़ा सा अब स्केल अप करेंगे ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है जी, ये इसके अंदर ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं उसे बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ये चीज़। तो इसको हम साइड व्यू में जाएंगे और शिफ्ट डी करेंगे, शिफ्ट डी करने से डुप्लीकेट तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि भी आप इसको ऐसे बिठाएंगे ना तो दोबारा आप शिफ्ट डी करेंगे तो वो खुद ऐसे रोटेट करता जाएगा, लेकिन हमने ऐसे रोटेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर इसको बैठाने से वही मुश्किल पेश आएगी हमको जो आपके सामने दोबारा आ रही है, तो लिहाजा हम एक एक को कॉपी करेंगे और करते जाएंगे, ठीक है जी, ऐसे बिल्कुल देख लेना क्या कैसे रोटेट कर रहा हूँ मैं, अब देख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे थोड़ा सा रोटेट होगा, फिर हम इन तीनों को पकड़ लेंगे, इन तीनों को करेंगे कंबाइन, कंबाइन करने से क्या होगा, इनको फिर ये तीनों ही कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, इनको करेंगे हम रोटेट ऐसे, ठीक है जी, ऐसे ताकि हर लाइन हमारी बनती रहे, इसके फेसेस ज़्यादा हैं, ठीक है जी। पर्सपेक्टिव व्यू में जाना, पर्सपेक्टिव व्यू में क्या है, ये बाहर आ रहा होगा, इसको हम करेंगे ऐसे सेंटर में, ठीक है जी, ऐसे ये देखें ये भी बाहर आ रहा है, इसके हम वर्टेक्स को पकड़ के ऐसे सेंटर में कर देंगे, ठीक है जी, ये बाहर गए हुए, इनके हम वर्टेक्स पकड़ के बिल्कुल सेंटर में कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। इनको करना है हम, ये थोड़ा सा रोटेट होगा ऐसे, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा तारें बना सकें, इनको कर देंगे कंबाइन, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, रोटेट हो, कर देंगे रोटेट से, इसको हम लेंगे इस तरफ, ठीक है जी, बिल्कुल इस तरफ लेंगे ऐसे, ठीक है, ये बैठ गई हमारी तारें, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको अप कर देंगे इस तरफ, ठीक है जी। अब करना क्या है, फिर इनके एज टूल को हम कर देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ बराबर या गलत साबित ना हो, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको हम वो भी कर सकते हैं, ये दरअसल जो साइकिल हम बना रहे हैं ये ब्लॉकी है, ठीक है, इससे जगह से इसको हम डिकम्बाइन कर लेंगे, तो कंट्रोल डी करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, कंट्रोल डी, फिर रोटेट ऐसे, ठीक है। अब देख लेंगे कहाँ कहाँ तार हमारी रहती है, इधर देख सकते हैं कैसे तारे बन रही हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा टायर बन चुका है, इसको हम कर देंगे सबको कंबाइन, ठीक है, ये सब कंबाइन हो चुका है,
अब इस मुकम्मल टायर को हम कर देंगे कंबाइन, ठीक है। ये हमारा एक टायर रेडी हो चुका है, तो इसको हम कर लेंगे, साइड व्यू में जाएंगे, साइड व्यू में जूम आउट करके इसको कर लेंगे कंट्रोल डी, ठीक है, ऐसे कंट्रोल डी कर लेंगे। अब हमने तस्वीर में जाना है, तो तस्वीर में देखेंगे क्या है। अब हमने इसके बनाना है ये रेड वाला हिस्सा, ठीक है, ये रेड वाला हिस्सा बनाना है। तो इसके लिए हम लेंगे साइड व्यू में जाके पाइप लेंगे, ठीक है, पाइप को कर लेंगे थोड़ा ब्रीक और थोड़ा सा ऐसे बड़ा, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। तो ब्रीक करेंगे, फिर इसको करेंगे हम ऐसे रोटेट, ठीक है जी, और इसके ऊपर की तरफ कर लेंगे ऐसे, ये इधर बैठना, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, पर्सपेक्टिव व्यू में क्या है जी, पर्सपेक्टिव व्यू में हमें इसको निकालना है, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ इसकी सीट लगनी है ऐसे, ठीक है जी। तो ये हमारा एक पाइप ये लग चुका है, एक इसकी डुप्लीकेट करेंगे, एक पाइप आ जाएगा हमारा, फिर वो डुप्लीकेट करके बिल्कुल एक्यूरेट डुप्लीकेट होगा, ठीक है, ऐसे इसको कर देंगे हम ऐसे, ठीक है जी। इसके वर्टेक्स को कर देंगे थोड़ा सा नीचे, ताकि ये बराबर नज़र आने लगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ही डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है, इनको कर देंगे हम रोटेट ऐसे, ठीक है जी। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हिस्सा बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ है, चाहिए ऐसे, ठीक है। इसको हम वर्टेक्स के साथ पीछे जा सकते हैं, ये क्योंकि ऊपर ही जाना है, ये सीट है, ठीक है, ये हमारी सीट है, ये ऊपर ही रहेगी। अब करना क्या है, हमने इस पाइप की डुप्लीकेट ले रहे हैं, ठीक है, इस पाइप को कर देना है थोड़ा रोटेट ऊपर की तरफ, थोड़ा रोटेट करेंगे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर लिया। अब देख लेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर आनी चाहिए, तो इसको वर्टेक्स टूल पकड़ के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऐसे लेके जाएंगे, थोड़ा डाउन कर लेंगे, ताकि वो पाइप जो है ये इसके बराबर आए, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या करेंगे, एक पाइप की और इसकी, इस पाइप की डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है जी, फिर इसको रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि ये इधर आ सके, ठीक है जी, ऐसे। अब देख सकते हैं ये थोड़ा पाइप छोटा है, तो इसके वर्टेक्स लग के हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर आपस में थोड़ा सा ना फासला रखेंगे, ठीक है जी। अब करना क्या है, हमने एक पाइप और डुप्लीकेट लेनी है, हम इसी पाइप की डुप्लीकेट लेंगे और इधर रख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करेंगे जी, ताकि वो एग्जैक्ट टायर के अंदर हमारा पाइप बैठे ऐसे, ठीक है। वर्टेक्स पकड़ेंगे, वर्टेक्स पकड़ने के बाद इसको इधर ले आएंगे ऐसे, ठीक है। ये थोड़े एज नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कर देंगे वर्टेक्स के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। और इस पाइप भी वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम कर देंगे थोड़ा ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, तो जी आप देख सकते हैं हमारा सिंपल साइकिल का ढांचा तैयार है। तो अब इसके ऊपर हमने बनाना है इसका हैंडल। पर्सपेक्टिव व्यू में जाना, पर्सपेक्टिव व्यू में जाने के बाद हमने करना क्या है जी, इस पाइप की और इस पाइप की लेनी है डुप्लीकेट, इसकी और इसकी, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इधर जुड़ेगा, ठीक है, बस सिलेंडर टाइप आ जाएगा बीच में, सिलेंडर,
ताकि उनको आपस में मिला सकें। ठीक है, ऐसे अब देखना क्या है कि इसको करेंगे थोड़ा सा, इसको भी इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा, इनको थोड़ा सेंटर में ले आएंगे ताकि थोड़ा गड़बड़ ना हो हमें किसी भी चीज़। ठीक है, ऐसे तो अब देख सकते हैं ये हमारी सिंपल मॉडलिंग है। तो इसको हम कर देंगे ऐसे डिलीट, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी सीट को। ठीक है, तस्वीर के मुताबिक बन रही है ये चीज़, आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, तस्वीर आ रही है साइड व्यू से। ठीक है, साइड व्यू को हम डुप्लीकेट करके एक्यूरेट दूसरी जगह बना सकते हैं। अब करना क्या है, इसको बॉक्स को साइड पर रखे, इसमें इस कंट्रोल जी इसको सिलेक्ट करना, मल्टी कंट्रोल पकड़ना और इसको इधर लाइट डाल देनी। ये फेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल ही करेंगे, इसको कर देंगे थोड़ा बड़ा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हमारी गद्दी टाइप है, तो ये आएगी हमारी। ठीक है, इधर से सेंटर प्योर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस बॉक्स को हमने सीट बनाना है। ठीक है, तो इसको हम मल्टी कट टूल के साथ इसमें लाइनें डाल लेंगे काफ़ी सारी अपनी मर्जी से, कोई मसला नहीं, इसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसको कर लेंगे ऐसे थोड़ा डाउन और थोड़ा ऐसे। ठीक है, इसको लेंगे इधर पिक में, हम हमारी तस्वीर इधर है तो हम अपनी तस्वीर देखेंगे क्या है तस्वीर में। ठीक है, ये हमारी सीट है, तो माया में जाएंगे, माया में जाके हमने देखा है जी ये जो लाइनें हैं ना, ये जो एज डले हुए हैं ये काफ़ी बाहर को किए हैं उसमें, तो लिहाजा हमें एक लाइन छोड़ के एक लाइन को बाहर निकालना है ऐसे करके ऐसे। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, तो इसके वर्टेक्स टूल में जाएंगे। वर्टेक्स टूल के बाद इसमें हमें इधर भी लाइनें डालनी है मल्टी कट टूल से। ठीक है जी, ऐसे तो वर्टेक्स टूल के साथ हम इसके ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स को ऐसे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही पीछे ले जाएंगे, फिर ये वर्टेक्स सेलेक्ट करने हमें, सॉरी ये वर्टेक्स और फिर ये वर्टेक्स, इसको भी ऐसे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही ले जाएंगे, फिर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। ठीक है, इनको इधर ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में जाएंगे। ठीक है, इसको कर देंगे थोड़ा सा हमने रोटेट ऐसे। ठीक है जी, ब्लॉकी है, ब्लॉकी में मायने नहीं रखता कि सीट कैसी है या स्मूथ है या चीज़ नहीं, ब्लॉकी में बस बेशक आप क्यूब जोड़ के या पाइप को जोड़ जोड़ के आप बनाते रहें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हमने लेना है पाइप हैंडल बनाने के लिए, इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ। ठीक है, थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेंगे, आपने लेके आना है हैंडल को इधर। ठीक है, इसको करेंगे रोटेट ऐसे। ठीक है जी, थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे।
मल्टी कट टूल लेंगे, मल्टी कट टूल से इधर लाइन डालेंगे, एक डालेंगे लाइन इधर, ठीक है। इन वर्टेक्स को पकड़ के हमें नीचे कर देना, एक और लाइन डालेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। इन वर्टेक्स को हमें नीचे की तरफ खींचे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारा हैंडल आ गया इधर, फिर इसको करेंगे थोड़ा सा रोटेट आगे की तरफ ऐसे, तो थोड़ा वजन पड़ा, ठीक है ऐसे। ये वाले फेस और ये फेस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ही करेंगे स्केल, तो ये स्केल बन के आ गए, ठीक है जी ऐसे। अब हमने करना क्या है जी, तीन कलर नज़र आ रहे हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। ब्लैक ये टायर को कर देंगे हम असाइन न्यू मटेरियल फॉर्म ब्लैक, ठीक है। फिर हमने इधर से ये डी सेलेक्ट करने हैं, ये फेस ऐसे क्लिक किया, डबल क्लिक किया शिफ्ट के साथ, ठीक है, ताकि वो अंदर वाला हिस्सा हम आसानी से पकड़ सकें। ये चीज ठीक है, इसको लगा देंगे हम असाइन न्यू मटेरियल फॉर्म, ठीक है जी। अब हम चाहते तो यार इसको, इस टायर को डिलीट कर देते हैं, ये टायर ले जाते हैं, फिर मटेरियल लगा लगाया, ठीक है, ये फ़ायदा हो गया हमें, ठीक है। अब ये जो तारे हैं, इन तारों को भी तो कलर करना है, इन तारों को हम कर देंगे वाइट कलर, यूनिफॉर्म टू, ठीक है जी। उनको भी सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये बॉडी है, ये थी फ्लैट, इनको पहले हम कर लेंगे कंबाइन, ठीक है ऐसे कंबाइन करेंगे, इसको लगाएंगे असाइन न्यू मटेरियल फॉर्म रेड, ठीक है। थ्रेड हमने लगा दी है, ये जो पाइप लगे हैं उनको लगाएंगे हम ब्लैक, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए उनको लगाएंगे, और इस गद्दी को भी हम लगाएंगे ब्लैक वन फॉर्म वन, ठीक है। इसको हमने लगाना है, इनके फेस सेलेक्ट करके इनको लगा देना हमने वाइट, फेस सेलेक्ट ये सेलेक्ट फिर लगा देना हमने वन यानी ब्लैक, ठीक है। ये कुछ हद तक ब्लॉक की साइकिल हमारे पास तैयार है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉक के स्टाइल में मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए आप मुझे प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को प्लीज़ दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुँच सके। तो शुक्रिया दोस्त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।